हेलो मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय क्षमता निम्न रेंज में होती है। इसमें लगभग में दिया है, रेंज आपको बताना है कि पेट्रोल इंजन की जो है ऊष्मीय क्षमता कितने रेंज के अंदर होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मित्रों, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 से 32 जो है परसेंट पेट्रोल इंजन की होती है। और डीजल इंजन की अगर आप कोई पूछा जाता है प्रश्न में, तो 32 से 38 परसेंट आप लगा सकते हैं। इस रेंज के अंदर में जो है पेट्रोल और डीजल इंजन की ऊष्मीय क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है मित्रों कि पवन चक्की यानी विंड मिल का औसतन क्षमता निम्न रेंज में है या निम्न है, कितना है। तो पवन चक्की विंड मिल की जो अश्वशक्ति है या क्षमता है मित्रों, वो है 0.5 HP। इसी तरह आपका अगर मनुष्य का पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन का कितना होता है, तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 HP। एक बैल का अगर पूछा जाता है तो उसका 0.5 HP। और एक अगर हॉर्स का पूछा जाता है तो हॉर्स का मित्रों होता है 0.65 से 1.25 HP के बराबर होता है। तो आप इस सबको रट लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं मित्रों कि भारतीय किसान का खेती के लिए शक्ति का प्रमुख स्रोत है। तो भारतीय किसान मित्रों, भारतीय किसान वैसे भी गरीब किसान है, तो इनकी जो शक्ति की स्रोत है वो मुख्यतः आपका बैल है। लेकिन आधुनिक कृषि में अगर पूछा जाएगा तो वो आपका ट्रैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मित्रों कि एकल सिलेंडर इंजन में प्रायः प्रयोग किए जाते हैं, जो सिंगल सिलेंडर वाले होते हैं वो किस इंजन में प्रयोग किए जाते हैं मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्थिर इंजन में प्रयोग किए जाते हैं एकल सिलेंडर। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं अपलोड देता हूँ सबसे पहले आपको मिले। प्रश्न नंबर 5 है इसी के साथ कि डीजल इंजन निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मित्रों, डीजल इंजन आपका डीजल चक्र या एक होता है कंप्रेसिव इंजन या डीजल चक्र, ये सब आप डीजल इंजन को बोल सकते हैं। पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो चक्र होता है, समान आयतन इंजन होता है पेट्रोल और या ऑटो चक्र बोल सकते हैं। तो आप दोनों इसमें हो गया, पेट्रोल और डीजल दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए कि इंजेक्टर तथा फ्यूल पंप जो होता है ये निम्न इंजन का हृदय होता है। ठीक है दोस्तों, तो इंजेक्टर और फ्यूल पंप किस इंजन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, डीजल इंजन में जो है आपका इंजेक्टर और फ्यूल पंप का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजन में इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पेट्रोल इंजन में आपका कार्बोरेटर होता है, स्पार्क प्लग होता है और इग्निशन कॉइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब पेट्रोल इंजन में हो गया, डीजल इंजन में आपके इंजेक्टर और फ्यूल पंप का ये हृदय होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि इंजन की पिस्टन की गति निम्न के बराबर होती है। तो इंजन की पिस्टन की गति मित्रों वो होती है 2LN के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि इंजन में निम्न के द्वारा तेल पंप चलाया जाता है। इंजन में निम्न के द्वारा तेल पंप चलाया जाता है, तो किसके द्वारा चलाया जाता है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा कैम शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। कैम शाफ्ट क्या होता है, कैम शाफ्ट में एक पुश रॉड लगा होता है, पुश रॉड की सहायता से जो है वाल्व खोले और बंद किए जाते हैं। और कैम शाफ्ट पर भी एक टाइमिंग गियर लगा रहता है, जिसकी सहायता से टाइम के हिसाब से वाल्व को खोला और बंद किया जाता है। तो इंजन में तेल पंप चलाया जाता है वो कैम शाफ्ट द्वारा चलाया जाता है, आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि इंजन से निकली नीला धुआं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निकला नीला धुआं यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है। आप ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ए, स्नेहन का सिलेंडर में जलना, यानी जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसका सिलेंडर में जलना नीला धुआं दर्शाता है। और अगर सफ़ेद धुआं दे दिया होता मित्रों, तो ईंधन में पानी का मिलना जो है, मिला होना सफ़ेद धुआं होता है। आप दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा। चलिए
प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीजल इंजन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? अभी मैं पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि डीजल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इसमें पूछ भी लिया कि डीजल इंजन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी जो है डीजल इंजन में नहीं होता। अभी मैंने बताया कि कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग और इग्निशन कायल जो है ये पेट्रोल इंजन में होते हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।